Hello students, I am Dr. Roma from BDS Institute of English. Welcome again to Task 2. टास्क 2 के आज हम इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हैं. इवन यू नो आई हैव जस्ट सीन मैनी वीडियोस, आई केम अक्रॉस द वीडियोस जिसमें इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशंस हैं कि बच्चों को इतना इजी बताया जाता है कि कुछ भी ना करो और 7.5 बैंड्स आ जाएंगे. वो क्या प्रॉमिस कर रही हैं वीडियोज़, आई टेल यू. वो कहते हैं एंड लगा दो, बट लगा दो, ये लगा दो और बैंड्स आ जाएंगे. आई विल टेल यू वॉट आर द कनेक्टर्स. असली में कनेक्टर्स का मीनिंग क्या है? ट्राई टू फॉलो दैट, डोंट बी मिसलेड. आई अंडरस्टैंड ईजी थिंग्स आर ऑलवेज इंटरेस्टिंग, ईजी चीज़ें होती तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर ईजी चीज़ों में क्वालिटी बाईपास हो जाए तो उसकी सफ़र ही सफ़र रह जाता है, मंजिल बहुत दूर हो जाएगी आपकी. डेस्टिनेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी फार अवे. सो ट्राई टू बी लिटिल क्वालिटी कॉन्शियस When you are taking a paper of IELTS. IELTS का पेपर छोड़ो, लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो क्वालिटी के साथ, मेरा प्रिंसिपल तो नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करने का. एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना. अब देखो कनेक्टर्स क्या हैं. ये कनेक्टर्स हैं जो हर बच्चे को पता है. अब इसमें पहले मैं आपको ये वाला पार्ट बताती हूँ कि इंट्रोडक्शन आई, बच्चे को बोलते हैं इंट्रोडक्शन कुछ नहीं है, एक तो उसको रीराइट कर दो और उसका थीसिस लिख दो, रीफ्रेस करो, अपने वर्ड्स में लिख लो उसको दोबारा और उसका थीसिस बता दो, उसकी आउटलाइन बता दो. माना ये चीज़ होती है, बट इसका मतलब मालूम है क्या है? आर यू अवेयर अबाउट इट? व्हाट डज इट मीन? 99.9% ऑफ द स्टूडेंट्स इन माई क्लास दे गेट ब्लैंक व्हेन आई आस्क देम व्हाट डू यू मीन बाय दिस. सिंपल लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन का मतलब होता है जस्ट टेलिंग अबाउट द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट के बारे में बताओ, जिसको कहते थे कि ये एक जनरल लाइन है, आजकल नहीं लिखी जाती. जनरल लाइन आजकल नहीं लिखी जाती, ऐसा कैसे होता है? आपको मैं बताती हूँ. इंट्रोडक्शन इज द मीनिंग ऑफ द लाइन. लाइन क्या बोल रही है, वो आपको किस क्या समझ आ रहा है उसमें से, उसके बारे में लिखो. जैसे द क्वेश्चन इज दैट गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस स्टेप्स to help the sports person or what are the responsibilities of government towards sports. तो इसमें government वगैरह का कोई role नहीं आप दोगे. Introduction में you are going to talk about sports. What are sports? That means the importance of introduction is telling about the statement. About the statement में एक और बड़ी easy चीज़ मैं आपको बताती हूँ. आपको suppose नहीं पता किस केस में लिखना क्या है. अब छोटे छोटे questions तो पता है ना आपको. ये देखो ये questions है. What, why and role of role. ये तीन चीजें आप लगा लोगे तो आपकी इंट्रो बन जाएगी. What are sports? एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको सिर्फ. Sports are the physical and the mental activities that provides fitness. Why sports are important? It increases the stamina. Role of sports, it develops the personality and makes the country progressive. ये हमारा इंट्रो हो गया. तो इसमें कहाँ इतने आप घूम रहे हो, इतना ज़्यादा क्यों घूम रहे हो कि इसके थीसिस क्या है, इसका ये क्या है, नहीं समझ में आता मत करो. ये तीन क्वेश्चंस को आंसर कर दो, इंट्रो बन जाएगी. और ये इंट्रोज मैंने बहुत अच्छे से अपने टेम्पलेट्स में एक्सप्लेन की हैं आपको कि इंट्रो बनानी कैसे है. टेम्पलेट्स में आई हैव गिवन यू द करेक्ट वर्ड्स, आई हैव गिवन यू द मीनिंग्स एंड आई हैव गिवन यू व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू यूज़ in introduction and what connectors will be helping you out. उसके बाद second part आता है, statement को explain करो, example दो. अरे explain तो हम second BP में कर दिया, BP1 में. BP1 में explain का मतलब पता है क्या होता है? ये videos मैंने देखी हैं, I am sorry to say, इसमें आप कैसे attempt करोगे? वो कह रहे हैं कि example BP1 में भी लगा दो, example BP2 में भी लगा दो. मत लगाओ. एग्जाम्पल तभी लगाओ जब उसने पूछा है, अदरवाइज यूल बी वेस्टिंग योर 3 to 4 लाइन्स. एग्जाम्पल इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन इट इज आस्क्ड. आपने देखा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कुछ भी जो आप पढ़ते हो, पहले डेफिनेशन होती है फॉलोड बाय एग्जाम्पल. एग्जाम्पल बच्चे को तब दिया जाता है जब उसकी समझ में नहीं आता. एग्जाम्पल को एग्जामिनर को अच्छे से समझाने के लिए एग्जाम्पल है. जब हमारे पास पॉइंटर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो हमें क्या ज़रूरत है? आप कभी टेम्पलेट्स पढ़ के देखना, एग्जाम्पल्स और लॉजिक्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं. लॉजिक्स हैव टू बी स्ट्रॉन्ग टू गिव आंसर सच ए शेप दैट इट टचेस द हायर बैंड स्कोर. एग्जाम्पल मैंने क्रॉस कर दिया. ये एक्सप्लेन का मतलब होता है रीजंस. अगर आपके पास रीजंस हैं तो दीजिए, बहुत आराम से रीजंस दीजिए और रीजन में आपको स्कोर मिल जाएगा. अब जैसे क्वेश्चन है विच एजुकेशन नो विच टेक्निक इज बेटर, सेल्फ स्टडी और क्लासरूम स्टडी. आप दोनों के अगर पॉइंटर्स देके एक्सप्लेन करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा. सेल्फ स्टडी के पॉइंटर्स दो, इट मेक्स अ स्टूडेंट हार्ड वर्किंग, सेल्फ डिपेंडेंट, इंट्रोस्पेक्टिव. तीन पॉइंट्स है ना, तीन पॉइंट्स एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो. एक्सप्लेनेशन करने बैठोगे तो आपके विकैबलरी और पॉइंटर्स हट जाएंगे जो एग्जामिनर की समझ में नहीं आएगा. एंड काइंडली डोंट बी मिसलेड बाय सच वीडियोज, आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन, एटलीस्ट मेरी क्लास तो नहीं. उसके बाद इफेक्ट्स एंड रिजल्ट्स, एग्जाम्पल्स के साथ ही ये रीजंस आ जाते हैं. एग्जाम्पल हम तब देते हैं जब पूछा हो. इज इट क्लियर? नाउ आई विल बी टीचिंग यू व्हाट आर द डिवाइसेस टू कनेक्ट द वर्ड्स एंड कनेक्ट द आइडियाज. ये दो अलग चीज़ें हैं. बहुत से लोग कहते हैं कनेक्टर्स लगाओ, कनेक्टर्स लगाओ. मैं भी सुबह से शाम तक यही सुनती रहती हूँ, कनेक्टर्स कनेक्टर्स. अरे भाई, कनेक्टर्स होते क्या हैं? पहले तो ये क्लैरिटी दो. कनेक्टर्स दो टाइप के चलेंगे हमारे. एक कनेक्टर होता है जो हम एंड लगा के, बट लगा के लाइन को जोड़ देते हैं, वो कनेक्टर हो गया. आई एम ईटिंग द फूड बट आई डोंट लाइक इट, बट ने उसको जोड़ दिया, चलो कनेक्टर हो गया. बट आइल्स इतनी सिंपल नहीं है. आइल्स डजंट प्रॉमिस यू कि आपने एंड बट लगा दिया तो स्कोर आ गया. Second is connectivity of an idea, that is more important, कि आपका एक आइडिया दूसरे आइडिया से कैसे जुड़ता है. How do you connect the ideas? How do you connect the logics? How do you make a flow in the essay? What is the cohesion in the essay? That is a real connector. वो एक असली में कनेक्टर है आपका. कि जैसे आपने बात करी, सेल्फ स्टडी की बात की, इट मेक्स अ स्टूडेंट हार्ड वर्किंग एंड इंट्रोस्पेक्टिव. हार्ड वर्किंग एक्सप्लेन किया, इंट्रोस्पेक्टिव एक्सप्लेन किया, दोनों की बात जुड़ रही है. विच एजुकेशन और सॉरी विच टेक्निक इज बेटर, सेल्फ स्टडी और व्हाट डू यू से क्लासरूम स्टडी. तो एक पैराग्राफ जो क्लासरूम स्टडी का है उसमें क्लासरूम स्टडी ही एक्सप्लेन करो, कंपैरिजन में सेल्फ स्टडी मत लेके आओ. उसको बोलते हैं कनेक्टिंग ऑफ एन आइडिया. डिसकनेक्ट आइडिया कब होता है? जब आप दो आइडियाज़ को इंटरमिंगल करते हो, किसी भी दो चीज़ों को इंटरमिंगल करके उसका मैंगो शेक सा बना देते हो और फिर आपको पता ही नहीं चलता मैंने लिखा क्या है. जब आपकी समझ में नहीं आया तो एग्जामिनर को कहाँ से समझ आएगा? बात तो समझ आने की है. एग्जामिनर के जहाँ समझ में आ गया कि ये मुझे ऐसे समझा रहा है, दैट इज़ द पॉइंट वेयर यू गेट द स्कोर. सो आई वुड सजेस्ट यू कनेक्टर्स, दीज आर द कनेक्टर्स That will connect the lines. ये सबको आते हैं, ये सबको आते हैं. Moreover का मतलब होता है इसके अलावा, in addition to, इसको जोड़ते हुए, as well as, जैसे कि, then furthermore, आगे बढ़ते हुए, contrastingly के साथ आप consequently, then paraphrasing, कंक्लूसिवली, ये सारे वर्ड्स लगा सकते हो. ये सारे आपको आते हैं. हाउएवर, डिस्पाइट, इवेंचुअली, इसमें कुछ भी नया नहीं है. नथिंग इज न्यू. और मैंने अपनी एक वीडियो में तो एक एक वर्ड का सेंटेंस बना के दिया हुआ है, आप वो वीडियो चेक कर लेना. पर आज मेरा पर्पस ये करवाना नहीं है. आज मेरा पर्पस आइडियाज़ है. हाउ द आइडियाज टू बी कनेक्टेड, वन आइडिया शुड फॉलो द अनदर आइडिया. आउट ऑफ द बॉक्स व्हेन यू प्लेस द आइडियाज, जब आप स्ट्रक्चर बाईपास करके कोई भी आइडिया कहीं भी लगाते हो और सोचते हो स्कोर आ जाएगा, तो वो नहीं आएगा. सिंपल सी चीज़ है. आप एक मूवी देखने जाते हो, आप ग्रेजुअली देखते हो कि पहले हीरो छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर वो ग्रैंडफादर बन गया. तो वो स्टेजेस हैं. आप उसको स्कूल के बाद ग्रैंडफादर बना दो, ग्रैंडफादर के बाद उसको यंग कर दो, यंग के बाद उसको कॉलेज भेज दो, तो वो कनेक्टिविटी कहाँ है? जब तक आइडिया कनेक्ट नहीं होगा बेटा ऐसे में, ऐसे में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से स्कोर नहीं आता। ये आपको सिर्फ और सिर्फ धोखा देने वाली चीज़ें हैं। बच्चा बेचारा बिल्कुल रॉ होता है, वो सोचता है कि यही कनेक्टर्स हैं, इसी में स्कोर है, वो उसको याद कर ही जाता है। ये तो हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन है, और ग्रामेटिकल पोर्शन तो आइल्स एक्सपेक्ट करती है कि बच्चे को आता ही है। ये वाली चीज़ें तो आपको आती हैं, अगर नहीं भी आती तो इनको पढ़ लो। पढ़ के क्या करो, इनके सेंटेंसेस बना लो कि आगे जाके जब आप लिखने लगो तो आपका सेंटेंस बन जाए। दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन। काइंडली फोकस on connecting of an idea, not simply the connectors. Connectors as such अपने आप में कुछ भी नहीं है, it is just a portion of grammar. And grammar में sentence structure आता है, sentence structure में हर बच्चे को connector आता है, हर बच्चे को सिखाया जाता है। और जब उसको sentence जोड़ना आ गया तो ऐसे ना हो कि गलत मलत sentence जोड़ के बोले कि मैंने तो बड़ा अच्छा sentence बना दिया। Sentence उसको score नहीं देगा, सेंटेंस स्कोर देगा जिसमें आइडियाज़ कनेक्टेड होंगे। सो माई टूडेज वीडियो इज़ कनेक्टिंग द आइडियाज़, कनेक्टर ऑफ आइडियाज़, हाउ आर यू गोइंग टू यूज़ दिस। आई होप इट्स क्लियर एंड इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट। दिस विल टीच यू हाउ टू मेक अ फ्लो इन द एसे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।